हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है आपकी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जनाब, आज इस तरह है कि हमने अपना जो है ना एक शर की कॉलोनी में घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो रिन्यू करवाया था, यानी कि नया बनवाया था। तो काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे जी कि वो चेक करवाएँ, तो रिश्तेदार भी कह रहे थे कि जी तस्वीरें वगैरह भेजें जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो हमने कहा कि उन्हें तो दिखाना ही दिखाना है, तो चलें इसके साथ साथ आप सबको भी दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ का। तो अभी हम वहाँ पे आ गए हैं, ये इसकी मेन इंट्रेस है। और ये नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं इसकी, तो ये यहाँ से है जी वो पोर्शन शुरू होता है। तो आए आपको दिखाते हैं फिर। ये जनाब यहाँ की जो है वो सेन है, ठीक है जी। ये अभी ना काम शाम भी हो रहा है, तो बस कुछ काम रह गए, इस वजह से अभी सफाई नहीं करवाई। ये जनाब यहाँ की जो है ना फर्स्ट बेडरूम है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी रखी है, इसमें यहाँ पे वॉशरूम है ये वाला। और ये देखें, ये अभी आपको बताया ना टाइल्स वाइल्स लग गई हैं, बस सफाई होने वाली है। उसके बाद इसी गैलरी के साथ ये सेकंड बेडरूम है, ये थर्ड बेडरूम है, ये टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज अभी हम उधर मेन जो है ना सेन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की जो है सेपरेट जो है ना सीढ़ी, यानी कि अगर ऊपर वाला फ्लोर लैदा करना हो तो ये पौड़ियाँ से नीचे जाएंगी और गेट से जो है ना हम बाहर निकल जाएंगे ऐसे गली से। ये यानी कि यहाँ की लैदा एक हमने रखी है। ये यहाँ का यानी कि सेन है छोटा सा एक, यहाँ से एक विंडो भी दी हुई है। ये टीवी लाउंज है जो आप पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ से जो है ना ऊपर तीसरी मंजिल को पौड़ियाँ जाती हैं। ये अभी इनका कोई टाइल्स वगैरह लगने वाली रह गई हैं, तो कुछ ये लाइटें लगनी थी सीढ़ियों के अंदर, तो इस वजह से टाइल्स रुकी हुई थी। ये यहाँ ऊपर का है, ये यहाँ से मेन ओपन दिया हुआ है, ताकि किसी ने अगर वैसे बाहर लेटना हो कोई हवा वगैरह के लिए। ये थर्ड मंजिल है। अभी भी हल्की हल्की बारिश वैसे हो रही है, तो ये देखें ना, ये रात अभी बारिश हुई है ना, तो ये पानी अभी तक वैसे ही खड़ा हुआ है। ये भी अभी लड़का निकाल के सारा जाएगा। अब आपको दिखाते हैं वो जो किचन रह गए हैं, सेकंड वॉशरूम रह गए हैं, और बेडरूम जो आपको दिखाने वाले रह गए। ये देखें, ये सेकंड बेडरूम, ठीक है जी। ये अभी इसकी विंडो लग गई है, दरवाज़ा भी लग गया है, ये लाइट्स लग गई हैं, पंखा भी लग गया है। तो बस अब थोड़ा सा काम रह गया इसके अंदर, कोई जो वुड वगैरह की अलमारियाँ वगैरह बनने वाली वो रह गई हैं, वो बन जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ये रूम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया थर्ड वाला बेडरूम, ये थर्ड बेडरूम है जी। ये इसके अंदर पंखा लगा, लाइटें लगी हैं, ये इसकी विंडो है, ठीक है जी। और ये इसका वॉशरूम है, इसके अंदर भी ऐसे ही है जैसे दूसरा वॉशरूम आपको दिखाया था। ये टाइल वगैरह लगी हैं और सफाई होने वाली है, और थोड़ी सी एक्सेसरीज लगने वाली हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं जनाब किचन। थोड़ी सी रात ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, तो इस वजह से ना सफाई थोड़ी सी करवाई थी, तो वो भी मिट्टी वगैरह उड़ के अंधेरी की वजह से ना वो भी रुक गई। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जनाब इसकी जो है ना किचन है, ये किचन में अभी फिलहाल डब्बे वगैरह ही रखे हैं एलईडी की। इधर की विंडो कल तैयार हो गई थी लेकिन बारिश की वजह से नहीं लग सकी। ये इसकी छत रेडी है,
ये इसके टाइल्स लगवाई हैं, इधर विंडो लग जाएगी, ठीक है जी। तो ये बॉक्स भी इसके बनने वाले हैं, ये भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, तो फिर आपको ये भी दिखाएंगे साथ साथ। इधर थोड़ी सी हमने गैलरी छोड़ी है ताकि अगर किसी बंदे ने कोई हवा वगैरह लेनी हो तो। मौसम वैसे आज बड़ा लेवल का हुआ पड़ा है, बारिश अभी हो रही है लेकिन बहुत थोड़ी होगी। तो ये जी हमने अपना घर तैयार किया, ऊपर वाला फ्लोर, पहले वाला फ्लोर था जो वो पहले ही तैयार था और वो रेंट पे दिया हुआ था, तो हमने सोचा कि ऊपर वाला फ्लोर भी तैयार कर लिया जाए क्योंकि ये पहले बिल्कुल ज़ीरो होता था, ऊपर कुछ भी नहीं होता था। तो इसका मेन जो है वो एंट्रेंस जब मैं नीचे जाऊँगा तो वो भी आपको दिखा देंगे, वैसे यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी मेन ये देखें, ये अपनी गाड़ी भी खड़ी हुई है नीचे, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये इसका बाहर से बना तो हुआ है लेकिन अभी थोड़ा सा पेंट शेंट का काम होने वाला है, वो मैं आपको नीचे फिर पिक में दिखा दूँगा। और अपना ख्याल रखें, यहाँ से मैं व्लॉग को एंड करने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।